सेहत कैसी रही? आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि महाराज ने तुम्हें आजीवन कारावास का दंड दिया। अब यहां ज्ञान की बात यह है, प्रतिक्षोध दो प्रकार का होता है, एक जिसमें शत्रु को फौरन समाप्त करके प्रतिक्षोध किया जाए और दूसरा जिसमें शत्रु को आजीवन तड़पा तड़पा कर प्रतिक्षोध किया जाए। अब आजीवन कारापास में तड़पोगे तो हर पल हर क्षण इस तथाचार्य का स्मरण करोगे और छाती पीट पीट कर पछताओगे कि क्यों मैंने तथाचार्य से दुश्मनी मोड़ ली। ये तो हंस रहा है मनी, इसमें क्या है? हमारे गुरुजी को देखकर तो किसी की भी हंसी छूट जाए, शक्ली ऐसी। हंसले 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 पंडित, जितना चाहे हंसले। कारागृह में आजीवन चक्की पीसी का तो पता चलेगा। आजीवन चक्की कितना आटा खाएंगे कौन प्रभु? गुरु जी आचार्य, मैं आप पर नहीं आपकी सोच पर हंस रहा हूँ। अरे आपसे किसने कह दिया कि मैं कारागृह में एक घंटे से अधिक रहने वाला हूँ? मैं तो इससे पहले ही निकल लूंगा आचार्य, मैं वहां नहीं रहने वाला। सच में आचार्य, विश्वास कीजिए। अच्छा सुनिए, जरा कान इधर तो लाइए। अरे लाइए ना, लाइए लाइए। सबसे पहले मैं आपके इस कोतवाल को मूर्ख बनाकर कारागृह की चाबी हासिल करूंगा, फिर चुपके से बिना किसी को खबर किए कारागृह के द्वार खोलूंगा और फिर उड़ जाऊंगा। मैं वहां नहीं रहने वाला। अरे आप मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। रामा तो हवा है प्रभु, हवा। आपको कौन बंदी बना पाया? तब तक लेते हैं आपके कारागृह में अतिथि सत्कार का आनंद। अच्छा चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा बस। प्रणाम। क्या हुआ गुरुजी? ऐसा क्या कह गया वो पंडित कि आपका चेहरा श्राद्ध के प्रसाद जैसा हो गया? क्या क्या मूर्ख, इतनी बड़ी बड़ी हाँक दी। आचार्य के कटाक्ष का कुछ तो उत्तर देना था ना, जो मुंह में आया सो बोल दिया। अब क्या करेगा रामा? पता नहीं यार, कुछ सोचा नहीं है। मरेगा मरेगा तू रामा, और साथ में मेरी अर्थी भी उठवाएगा तू। अब रुक क्यों गए? चलो। Mm-hmm.
समझ में आया कि उस धोबी ने उन्हें घर से क्यों निकाला? महाराज ने जिस इंसान को अपराधी माना है उस इंसान के परिवार को कौन अपने घर में रखेगा? अम्मा उस इंसान को कोस रही है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। भगवान से कह रही है कि उस पापी को उठा ले। पढ़ाया था भगवान कृष्ण बनने, अब छोड़ो यहाँ जीवन भर के लिए और दुश्मनी मोल लो तथाचार्य से। मूर्ख इंसान, पागल हो गया क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही एक मजेदार कहानी याद आ गई थी। कहानी? कैसी कहानी? सुनाता हूँ। एक बार एक नदी किनारे एक बिच्छू रहा करता था। एक दिन नदी में बाढ़ आई तो बेचारे बिच्छू के प्राणों पर बनाई। तभी उसने नदी में एक मेढक को जाते हुए देखा और कहा कि भैया मेढक, मुझे भी उस पार ले चलो, प्राण बचा लो मेरे। इस पर मेढक ने कहा कि भाई मैं तेरे प्राण बचा तो लूं, परंतु यदि तूने मुझे काट लिया तो। बिच्छू ने कहा कि भाई क्या बात कर रहे, ऐसा भी कभी होता है? कोई अपने ही प्राण बचाने वाले को काटता है भला? मैं वचन देता हूँ मैं तुझे नहीं काटूंगा। मेढक ने बिच्छू की बात का विश्वास कर लिया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरे पार ले गया। परंतु नदी के उस पार पहुंचते ही बिच्छू ने मेंढक को काट लिया। तो मेंढक ने पूछा, भाई ये तूने क्या किया? तूने तो वचन दिया था ना कि तू मुझे नहीं काटेगा। इस पर बिच्छू ने कहा कि मैं क्या करूं, ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है, काटना तो मेरे स्वभाव में है, ये तो तेरी गलती है कि तूने मेरी बात का विश्वास किया। क्यों कोतवाल साहब, कुछ समझ में आया? प्रवृत्ति वाले मनुष्य की मित्रता तभी तक है जब तक कि उसे अपना असल स्वभाव दिखाने का अवसर नहीं मिल जाता। सुनिए, हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अवसर मिला नहीं कि असल स्वभाव बाहर आया नहीं। किसकी बात कर रहे हो? सोचो सोचो सोचो, कोई 150 बिच्छू थोड़े ना पाले होंगे तुमने। कितना गंदा लग रहा है ना हंसते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे सड़ा हुआ पपीता बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ गया हो। क्या हुआ गुरुजी? बड़े भयानक, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हम उस दुष्पंडित को याद करके हंस रहे। चला था तथाचार्य से टकराने, खुद तथाचार्य के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा, सीधे काल कोठरी पहुंच गया, वो भी जीवन भर के लिए। अब तो मुग्धा होकर मार आएगा। परंतु गुरुजी, वो दिन देखने के लिए आप बचोगे कहाँ? कब फिर निकल लोगे? तब तक क्या बोला? निकल गया ना प्रभु जी आपके प्रतिशोध का कांटा। अब तो सीना ठंडा हो गया होगा आपका। बिल्कुल, अब तो हमारा सीना एकदम ठंडा। कारागृह में दर से तड़पता होना देख ले, हमारे इस दर्द को राहत नहीं मिलेगी। निकालो निकालो पालकी जल्दी। चलो गुरु जी को निकालो। अरे हमें नहीं, पालकी निकालो। पालकियां गुरु जी, अभी निकालता हूँ पालकी। सब व्यर्थ है रामा, ये कोतवाल बहुत चालाक है, ये तेरे फेर में नहीं आने वाला। प्रयास तो करने दे बंधु, क्या पता चलाया हुआ तीर संभवतः कहीं लग जाए। वैसे भी सयाना कौवा जरा जल्दी जाल में फंसता है। तथाचार्य सयाना तो है और बिच्छू की तरह धूर्त भी। इतना धीरे, सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। देखिए कोतवाल महोदय, चेतावनी देना मेरा धर्म था, बाकी आगे आपकी इच्छा। अच्छा सुनिए, जरा मेरे लिए एक कंबल और छोटा मोटा आसन तो ले आइए, जाइए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें ये दिन देखने पड़े? सही कह रही हो अम्मा, एक ब्रामा बंदी हो गया, ऊपर से धोबी ने बिना लड्डू खाए हमें घर से निकाल दिया। क्या हो सकते हैं? क्या कह रही है?
कुछ समझ में नहीं आ रहा। उठा लो। भोजन कीजिए ना। जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, यही ना? जी महाराणा, हम यही कहना चाह रहे थे, भोजन सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वैसे तो हम वो भी जानते हैं, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हम सदैव ही भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। मन की बात झट से समझ जाती हैं आप। क्यों नहीं समझेंगे, हम आपकी धर्म पत्नी जो है, और आपके मन की बात हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। जैसे कि इस समय हम ये समझ रहे हैं आपका ध्यान यहाँ नहीं कहीं और। ये आपका संकेत छोटी महारानी की तरफ है तो? हमारा संकेत छोटी महारानी की तरफ नहीं, हमारा संकेत पंडित रामा की तरफ है, जिसे आपने राज पुरोहित जी के कहने पर आजीवन कारावास का दंड सुनाया, और अब आप दुविधा में हैं कि आपने उसे दंड सुनाकर उचित किया या अनुचित, क्योंकि सारे साक्ष्यों के अनुसार वो अपराधी है, परंतु आपका मन मानने को तैयार ही नहीं कि वो अपराधी है या नहीं। सही कह रहे हैं ना हम? जी, बात कुछ ऐसी। अब चिंता छोड़िए और भोजन कीजिए। हम जानते हैं महाराज कि आप इस दुविधा का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं, भोजन कीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप हमें देख देख के भी भोजन कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हम हैं ही इतने सुंदर। ये लो आसन और कंबल, और ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बातों में आकर ये सब कर रहा हूं। मुझे सिराहा समझने की भूल मत करना, मैं तुम्हारी शब्दों के जाल में नहीं आने वाला हूँ, और मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे तथाचार्य के विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे हो। हाँ। अंतिम बार आम कब खाया था तुमने? आम आम कब खाया था अंतिम बार? अभी कुछ ही दिनों पहले। छोड़ दो आम खाना, छोड़ दो कंबल। छोड़ दीजिए प्रभु, कब तक यूं लिए खड़े रहेंगे? और आम का क्या? छोड़ दो। छोड़ दो क्या कंबल? आम खाना छोड़ दो, क्योंकि जब जब तुम आम खाओगे तब तब कोई ना कोई समस्या विपत्ति तुम्हें घेरे रहेगी। स्मरण करो, अंतिम बार जब आम खाया था तब कोई ना कोई दुर्घटना तो जरूर घटी होगी। हाँ, तुम मेरी कैसे भाग गए थे देखा? परंतु अरे अब छोड़ो, समाप्त करो ये प्रसंग। लाभ क्या है इन बातों का, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ही नहीं, तो अर्थ क्या इन बातों का? परंतु सच तो ये है कि तुम्हारे आमों पर जादू टोना कराने वाला और कोई नहीं, स्वयं तांत्रिक तथाचार्य ही है। वो चाहता है कि तुम यूं ही आम खाते रहो, विपत्ति समस्याओं में फंसते रहो, ताकि तुम्हें उस मायावी तांत्रिक की आवश्यकता पड़ती रहे और वो तुमसे माल हड़पता रहे। मैं तो बस तुम्हें उस मायावी तांत्रिक के जाल से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत भी मुझ जैसी हो जाए। परंतु तुम्हें तो मेरी बात पर भरोसा है नहीं ना, तुम्हें तो ये सब मेरी चाल लग रही होगी। अरे मेरा क्या है, मेरा प्रसंग तो समाप्त आ गया ना आजीवन काल के लिए इस काल कोठरी में, मैं क्या कोई चाल चलूंगा। परंतु सच बताऊं महोदय, भलाई करने का समय नहीं रहा, सच कह रहा हूँ, समय नहीं रहा भलाई करने का। हाँ सुनिए, जरा जाकर मेरे हवन की थोड़ी सामग्री ले आइए, मेरे सायकालीन अनुष्ठान का समय हो गया है। और हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो आपके जादू टोने की शक्ति के तोड़ के मंत्र का जाप भी सम्मिलित कर सकता हूँ मैं अपने अनुष्ठान में, यदि आपकी इच्छा हो तो। हाँ, ला दो। ए बंधु, ये क्या कर रहा है तू रामा, है किस चक्कर में? ये रामा का चक्कर है बंधु, सबकी समझ में आ जाए तो बात ही क्या। हम समझ गए कि आपने संदर्भ में क्या सोचा है। हमने? जी आपने। हमने क्या सोचा? यही कि आपको दरबार में दोबारा सुनवाई करवानी चाहिए,
और उस रामा को बुलाकर उसे भी एक अवसर देना चाहिए कि वो भी अपनी सफाई में कुछ कह सके और उसके बाद आप निर्णय लीजिए क्या उचित है और क्या अनुचित। महारानी आपका सुझाव तो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं महाराज, हमने कोई सुझाव नहीं दिया आपको, ये तो स्वयं आपका सुझाव है, हमने तो बस आपके मन की बात पढ़ी। अच्छा ऐसा है? नहीं, हमें तो पता भी नहीं चला कि हमने सोच भी लिया था। होता है महाराज, जब अप्सरा जैसी पत्नी सामने बैठी हो तो ये भी संभव। आइए आप भी आइए। अयो ये क्या, हमने इतने परिश्रम से, इतने प्रेम से, इतने चाव से आपके लिए विशेष भोजन तैयार किया था और आपने भोजन करना आरंभ भी कर दिया। ये क्या कर रहे हो? आप मेरे लिए अनुष्ठान की सामग्री लेकर आए, इस अनुष्ठान में आपका भी तो योगदान बनता है। ठीक है तुम अपना काम करो। जी आइए, मेरा मतलब है आइए छोटी महारानी जी, अब बताइए क्या लाई है आप हमारे लिए। आइयो, हम आपके लिए विशेष व्यंजन लाए हैं। विशेष विशेष व्यंजन क्या लाई है इसमें आप? आप देखेंगे तो अचंभित रह जाएंगे। अचंभित रह जाएंगे, इस बात का तो हमें पूरा विश्वास है प्रिय, किंतु आप ही हमें कर दीजिए अचंभित। आइयो बैंगन का भरता। बैंगन का भरता। अयो, बैंगन का भरता तो हर कोई बना सकता है, मैंने तो आपके लिए विशेष रूप से बैंगन का हलवा बनाया है। हलवा? बैंगन का हलवा? अरे आचार्य, आप यहाँ, आपने क्यों कष्ट किया? मैं तो स्वयं आपकी भेंट आपके पास लेकर आ रहा था, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था। आपकी भेंट स्वीकार कीजिए आचार्य। लाई लीजिए। क्या है ये? भगवान को भेंट कम चढ़ाते हो, आशा अधिक रखते हो। समझा कीजिए कोतवाल साहब, आप भी यहाँ भेंट अधिक चढ़ाइए, आशा कम रखिए। जाने दीजिए गुरु जी, बच्चा है, क्षमा कीजिए। आदु कोतवाल, कहाँ है हमारा प्रिय शत्रु? वही आचार्य, जहाँ उसे होना चाहिए, अपनी कोठरी में। आइए। गुरु जी को पता ना चले आदत। जब तक स्वयं उस पंडित को काल कोठरी में तड़पते हुए ना देख लें, हमारे हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी। और सुनो, चौकस रहना, वो पंडित बहुत चढ़ा के भागने का प्रयास करेगा। उसने स्वयं हमें कहा है तुम्हें मूर्ख बना के भागेगा। क्या मूर्ख, क्या मसूर की दाल, मजाक क्या? वो तो आप कैसे बाहर आ जा आचार, बिना हाँ के कभी धुआं उठते देखा है आपने? देख रहे धुआं कहाँ? वहाँ। आग, आग, कोतवाल जी आग लग गई। कहाँ? उसी चोर की कोठरी में जिसे तथाचार्य जी ने पकड़वाया था। अरे
अयो कैसा लगा? आग लग गई। क्या? बंदीगृह में आग लग गई महाराज, वो पंडित रामा भाग गया।